हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्पर सक्सेस। आज मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स के बताने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने एपिलेप्सी होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस किए थे, जो इंट्रो था हमारा एपिलेप्सी का। और इस लेक्चर में हम एंटी कन्वल्सेंट में जो ड्रग्स होते हैं उसका किस तरह से, कौन से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से वो एक्ट करते हैं और कौन कौन से क्लासीफाई किया गया है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो बारबिट्यूरेट होता है या बेंजोडाइजापिन्स होता है या हमारा गाबा एनालॉग्स हो गया, क्या करेगा हमारा, ये हमारा गाबा रिसेप्टर है। गाबा रिसेप्टर होता है, क्या होगा, गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, जैसे कि कोई भी बेंजोडाइजापिन्स ड्रग्स हो गया या बेंजोडाइजापिन ड्रग्स हो गया या बारबिट्यूरेट हो गया या गाबा एनालॉग्स हो गया, क्या करेंगे, ये गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे। एक्ट करने से क्या होगा, ये क्लोरीन चैनल होता है, क्लोरीन चैनल फैसिलिटेट हो जाएगा, खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, यहाँ से ओपन होगा तो क्लोरीन क्या होगा, इसके थ्रू अंदर आ जाएगा। क्योंकि हमारा एपिलेप्सी में क्या होता है, सोडियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होगा, ये क्लोरीन हमारा इधर आया, जिसके कारण क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन होगा, हाइपरपोलराइजेशन जिससे इनएक्यूरेट हो जाएगा हमारा और सोडियम का जो अमाउंट था सेल में वो कम रहेगा। दूसरे जो है बहुत सारे, जैसे कि हाइड्रेटोइन है, ऑक्सालाजोलिडीन है, सक्सिनामाइड या बालपिरोइक एसिड, ये जो ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं सोडियम को अंदर जाने से, रोकते हैं। तो उसमें भी हमारा कुछ इस तरह से डायग्राम होता है, जैसे कि हमारा ये कोई सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से क्या होगा हमारा, इन द अब्सेंस ऑफ, जब हमने कोई यहाँ पे जब हमने कोई भी एंटी कन्वल्सेंट नहीं दिया है तो ये नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, सोडियम इधर आएगा। फिर यदि हम क्या करते हैं, कोई चैनल है ये बंद नहीं है, अभी ओपन ही है, फिर हमारा क्या होगा, यदि हम कोई भी एंटी कन्वल्सेंट देते हैं, जैसे कि हमें फिनोटोइन दिया या बारबिट्यूरेट एसिड दिया, तो क्या होगा, ये जो चैन होता है ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, सोडियम एंटर नहीं कर पाएगा, सोडियम एंटर नहीं कर पाता, इससे हम इजिली एंटी कन्वल्सेंट को, मतलब सीजर को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा जो क्या करता है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कारण क्या होगा, कैल्शियम अंदर नहीं जा पाता। तो यही हमारा तीन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो हमारा एंटी कन्वल्सेंट का ड्रग्स होता है, यही तीनों मैकेनिज्म से एक्ट करता है। फर्स्ट क्या करते हैं, गाबा रिसेप्टर को वो हमारा इनहेंस करेंगे, जिससे कारण क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन होगा। दूसरा क्या करेंगे, इनएक्टिवेट करेंगे क्लोरीन चैनल को, क्लोरीन चैनल को इनएक्टिवेट में हेल्प करते हैं, इनहेंस द सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन। एंड थर्ड वन क्या करेगा, हमारा कैल्शियम चैनल इनएक्टिवेशन को इनहेंस करेगा, इनएक्टिवेशन को इनहेंस करेगा। जो हमारा ड्रग्स क्लासिफाई किया गया, सबसे पहले आता है बारबिट्यूरेट ड्रग्स। बारबिट्यूरेट में मोस्टली मोस्ट पीपीएल यूज करते हैं, एंटी कन्वल्सेंट में वो हमारा है फिनोबारबिटन यूज करते हैं, फिनोबारबिटन। उसके बाद हमारा आता है मेफिनोबारबिटन, मिथोबारबिटन, जो कि हमारा क्या करते हैं, गाबा रिसेप्टर पे ही एक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपिन में हमारा क्या आता है, क्लोनाजेपाम एंड नाइट्राजेपाम और डायाजेपाम। फिर आता है हमारा हाइड्राटोइन्स, हाइड्राटोइन्स में हमारे जो ड्रग्स आता है वो फिनोटोइन होता है, इथिनोटोइन होता है, मेफिनोटोइन्स होते हैं। फिर हमारा आता है ऑक्सालाजोलिडीन डायोन, इसमें हमारा आता है ट्राइमीथाडायोन और एलोक्सिजोन। फिर हमारा आता है सक्सिनामाइड, सक्सिनामाइड में हमारा क्या आता है, इथोसक्सिनामाइड, फिनोसक्सिनामाइड एंड प्रिमिडोन, प्रिमिडोन मोस्ट पीपीआर यूज किया जाता है सक्सिनामाइड का ड्रग्स। फिर हमारा आता है बालपिरोइक एसिड, जो कि हमारा क्या करता है, इनएक्टिवेशन करता है सोडियम चैनल को, क्या करता है, सोडियम चैनल को इनएक्टिवेशन को इनहेंस करता है, जिससे क्या होगा, सोडियम बाहर नहीं आ पाता सेल में, मेम्ब्रेन में, वहां पे एंटर नहीं कर पाता, जिसके कारण हमारा ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है एंटी कन्वल्सेंट के। तो इसके एग्जांपल है सोडियम बारबिट्यूरेट एसिड।
फिर हमारा गबा एनालॉग्स में हमारा आता है बीगा बारबिटिन आता है, गबा पेक्टिन आता है। इसका क्या फंक्शन होता है, ये भी हमारा गबा रिसेप्टर को इनहेंस करता है जिसके कारण हमारा हाइपरपोलराइजेशन ऑफ सेल होता है। फिर हमारा आता है सल्फोनामाइड्स के ड्रग्स, सल्फोनामाइड्स का ड्रग्स जो होता है एसिटाजोलामाइड्स। फिर आता है हमारा डायबेंजोजिपिन्स, इसमें आते हैं कार्बामाजेपिन्स एंड ऑक्साकार्बामाजेपिन्स। फिर मिसलिनियस जो कि आजकल न्यूअर ड्रग्स जो है न्यूअर एजेंट है उनका कोई जो कि आजकल रिसर्च में आए हैं सर्च किया गया है, तो हमारा क्या है उसका एग्जांपल है जोनिसामाइड एंड टोपिरामेट। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।